नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 12 अगस्त सुबह आपका स्वागत है। और अब जिसे कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाली है, आप जानते हैं 3 दिन में एमसीसी वाली काउंसलिंग, जिसमें गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर तक 51 और अब 3 जुड़ गए, 54 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, जिसमें 85% सीटें अक्सर पूरे हिंदुस्तानियों के लिए अवेलेबल होती हैं और 15% NRI। फर्स्ट ब्लड मैं वहाँ पर कहता हूँ, जिसके लिए आपने पिछले 4 दिन में मेल भेजी होगी 6 से 10 तारीख तक MCC को, जो MCC पे लिखा हुआ था, राइट। और हम वेट कर रहे थे एक्चुअली, अभी भी 54 में से 7 कॉलेज हैं जिन्होंने फीस अपडेट नहीं करी है 2024 की, और इसलिए वीडियो बनाने में देर लग रही थी। और अब हो गया है तो आपको क्विकली बताऊँगा, वेरी फ्रेंकली हम नोट करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप सबके पास लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर तो होगा ही, तो उसमें जो चेंजेस, जहाँ पर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुए उन्हें बता दूंगा जल्दी जल्दी, और जो हो गए हैं वो बता दूंगा, एंड डेफिनेटली जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम वो एक्स्ट्रा शीट दे देते हैं। ओके, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। गीता विशाखापट्टनम सेम फीस है, 25,37,000 रुपये पर ईयर, 4.5 साल की फीस लेते हैं, टोटल मिला के 1,25,00,000 का पैकेज पड़ता है, और $45,000 पर ईयर NRI फीस भी है इंटू 4.5 साल। और ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये वो NRI फीस होती है जिसमें कंसल्टेंट्स के थ्रू आप नेगोशिएट करके कम रेट पे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगी फीस है ना, हर जगह NRI बहुत महंगी है। अगला कॉलेज दिल्ली का हमदर्द, बिल्कुल सेम फीस रखी गई है, कोई चेंज नहीं करा इस साल भी, 16,00,000 रुपये पर ईयर फीस, 4.5 साल लेते हैं, 72,00,000 की फीस पड़ती है, हॉस्टल भी बहुत रीजनेबल है, सारी पढ़ाई आपकी 80,00,000 में हो जाती है, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। इस NRI फीस बहुत एक्सपेंसिव है, $45,000, और ये नेगोशिएट भी नहीं करते हैं, लेनी है तो लो वरना कन्वर्ट करके आपको सस्ते में दे देंगे। गुजरात का SBKS विद्यापीठ, 18,75,000 लास्ट ईयर फीस, 30 साल भी सेम रखी गई है, पैकेज आपको 90,00,000 का पड़ता है हॉस्टल मिला के, इसकी NRI फीस काफ़ी रीजनेबल है, $35,000 इंटू 4.5, तो इसलिए इनको नेगोशिएट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 35 × 8 मतलब आपका वही 1,30, 1,35 की टोटल फीस स्ट्रक्चर आ रहा है, तो बहुत महंगा नहीं है। अमृता फरीदाबाद सबसे बड़ा जिसने तूफान मचाया इस साल, फीस को सीधा बढ़ा के 19,00,000 से 25,00,000 कर दिया है, 5 साल की फीस ले रहा है, 1,25,00,000 फीस पड़ेगी हॉस्टल मिला के, 1,35,00,000 NRI फीस में भी, $50,000 इंटू 5 ईयर, $2,50,000, 2,10,00,000 फीस, हॉस्टल मिला के 2.25 करोड़ रुपये, कोई नेगोशिएट नहीं, लेनी है तो लो नहीं तो सीट को कन्वर्ट करके दे देगा इंडियन फीस में। नॉर्थ का एक और कॉलेज MMU बुलाना, 1,00,000 फीस भरी, 17,00,000 से 18,00,000 हो गया, इसमें इंक्रीमेंट भी लगता है हर ईयर का, जिसकी वजह से टोटल फी का स्ट्रक्चर है वो 1,03,00,000 हो जाता है, हॉस्टल मिला के इस बार 1,10,00,000 का पैकेज है। NRI फीस $1,60,000 है, $40,000 की 4 किस्तें, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, लेकिन इंडियन रुपीज़ से पैसे ले लेते हैं, समझिए आप। टाटा मणिपाल जमशेदपुर 16,00,000 फीस थी पिछले साल, इस साल भी 16,00,000 फीस है, वन ऑफ द चीपेस्ट कॉलेजेस, 71,00,000 रुपये में पूरी आपकी MBBS हो जाती है, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, $38,000 की NRI फीस है, सेम 4 साल की लेता है, कोई डिस्काउंट नहीं देता NRI फीस पे। जवाहरलाल नेहरू JLN बेलागावी सबसे मशहूर आप सुनते हो NRI डील करने के लिए, 90,000 रुपये से फीस बढ़ गई है इस साल, जो फीस पिछले साल 18,30,000 थी वो 19,20,000 हो गई है, इसलिए जो पैकेज था जो 89,00,000 तक था लास्ट ईयर वो अब 95,00,000 का पड़ेगा। NRI फीस इसकी बहुत ज़्यादा है, $45,000 इंटू 4.5, इसलिए आपको नेगोशिएट किया जाता है, ये फर्स्ट ईयर के बाद काफ़ी फीस इंडियन रुपीज़ में भी ले लेता है, तो जिनके नंबर कम हैं, फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, उनका काम 1,50, 1,60 में JLN बेलागावी में हो जाता है, अगर आप पूरी NRI की फीस देंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बेसिकली 15-20,00,000 का डिस्काउंट हो जाता है। अभी तक JSS मैसूर की फीस नहीं आई है, जिसका मैं वेट कर रहा था। KS हेगड़े बेंगलोर 30,000 रुपये सिर्फ फीस बढ़ाई है, 17,50,000 पर ईयर थी, 17,80,000 कर दी है, तो पैकेज जो 86,00,000 का था वो 88,00,000 का है, अगेन वन ऑफ द वेरी रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ हाई जाती है। NRI फीस बहुत रीजनेबल है, 30,00,000 इंटू 4.5 साल, 1,35 प्लस हॉस्टल मिला के आपका काम 1,45 में हो जाता है, इसलिए कोई कभी NRI पर नेगोशिएट नहीं करता। कस्तूरबा मणिपाल सेम फीस रखी है, 17,80,000 रुपये, 4 साल के लिए लेता है, सब कुछ मिला मिलू के आपका काम 78 में हो रहा है, $50,000 इंटू 4 साल की NRI फीस जाती है, सेम मैंगलोर कैंपस, सेम फीस स्ट्रक्चर है, कोई नेगोशिएट नहीं करते। यनपोआ मैंगलोर 22,00,000 की फीस है, वन ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी, ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी MCC कॉलेज, 22,00,000 की फीस है,
हॉस्टल मिला के आपको 1 करोड़ का पैकेज पड़ता है, काफ़ी रीजनेबल, 1 करोड़ 10 लाख का, जो कि 22 लाख × 4.5, 99 लाख फीस हो जाएगी, 1 करोड़ 10 लाख का पैकेज पड़ेगा। NRI में टोटल फीस लेता है $1.5 लाख, तो चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं देता। JGMM जो कि JLN बिलागवी का कैंपस है, 16 लाख 35 हज़ार फीस थी, इस बार बढ़ा दी गई है, 1 लाख 30 हज़ार, 17 लाख 60 हज़ार फीस हो गई है। इसका मतलब जो पैकेज 81 लाख का था वो अब बढ़ के 87-88 आ गया, तो मोटा मोटी JLN बेलागवी के बराबर ही आ गया और KSEGD के बराबर ही आ गया। NRI फीस $40,000 4.5 साल की नेगोशिएट हो जाता है JLN बेलागवी की तरह। BLD बीजापुर 18 लाख की फीस थी, 1 लाख बढ़ा के 19 लाख कर दिया गया है, जिसकी वजह से पैकेज 85 से बढ़ के अब 90 का हो जाएगा। NRI फीस 25 लाख × 4.5 साल, बहुत रीजनेबल, तो नेगोशिएट का मतलब ही नहीं। फर्स्ट ब्लड अगर आपके पास है तो ठीक ठाक कॉलेज आपको काफ़ी रीजनेबल फीस में मिल जाता है BLD बीजापुर। राज रेश्वरी की अभी तक फीस नहीं आई है, लास्ट ईयर के पैकेज का 1.10 का था। SGU कोल्लार 17 लाख 60 हज़ार की फीस थी, सेम फीस रखी गई है, 84 लाख का पैकेज है। NRI फीस बहुत महंगी रखी हुई है, $45,000 × 4.5 साल डील कर लेता है NRI फर्स्ट ब्लड होता। तो श्री सिद्धार्था तुमकुर पुराना शानदार कॉलेज, 17 लाख 85 हज़ार फीस थी, सेम रखी गई है, तो पैकेज भी सेम है 89 लाख रुपीज़ का, और वही सेम पैकेज है उसके दूसरे कैंपस का जो टी बेगूर में है, बेंगलोर के पगल में। NRI फीस 40 लाख × 4.5, 1.80 है, नेगोशिएट हो जाता है। अमृता कोची अमृता फरीदाबाद की तरह 25 लाख कर दिया है जी × 5 साल, और सेम NRI $50,000 × 5, कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा। MGM के तीनों कैंपस औरंगाबाद नवी मुंबई वाशी और इस साल जो चौथा निरूल में आ रहा है, सब में फीस 21 लाख रुपये, सेम फीस रखी गई है, 4.5 साल की फीस लेता है, हॉस्टल भी रिजनेबल है, 1 करोड़ में आपको पड़ जाता है। NRI फीस बहुत महंगी है, $55,000 × 4.5 सारे कैंपस में, इसलिए नेगोशिएट करके आपको 1.55-1.60 में मिल जाता है। तो MGM कैंपस फेमस है फिर से नेगोशिएट करने के लिए। DY पाटिल नवी मुंबई पुणे दोनों की अभी तक फीस नहीं आई है। मुंबई का पैकेज लास्ट ईयर 1.30 था, पुणे का 1.70 था। DY पाटिल कोल्हापुर ने बहुत भयंकर इंक्रीज़ कर दिया, 2.5 लाख पर ईयर फीस बढ़ा दी है, तो जो उसका पैकेज 97 लाख का था वो अब 1 करोड़ 10 लाख का हो गया है, और NRI फीस उसकी रीजनेबल है, $36,000 × 4.5, कोई नेगोशिएट नहीं करता। तो अब DY पाटिल कोल्हापुर भी 1 करोड़ 10 लाख का हो गया है, जो पहले सस्ता था। भारती विद्यापीठ पुणे ने इस बार भयंकर फीस इंक्रीज़ करी है, और टोटल जो इंक्रीज़ करी है वो तकरीबन 2 लाख से इंक्रीज़ कर दिया है, 1,60,000 तक सम से। तो अब जो फाइनल पैकेज पड़ रहा है वो 1,45,000 का पड़ रहा है, जो पिछले साल 1,30,000 का था। बहुत मेजर इंक्रीज़ करा है भारती विद्यापीठ पुणे ने। भारती विद्यापीठ सांगली ने भी इंक्रीज़ करा है, और उसका जो पैकेज है जो पहले 1,12 था वो 1,25 का है। तो देखिए भाई, लास्ट ईयर 20 लाख का फ़र्क था, पुणे 1,30 का था, सांगली 1,12 का था, इस बार आप 15-15 लाख दोनों के बढ़ा लीजिए, तो भारती विद्यापीठ पुणे आपको 1,45 का पड़ेगा और सांगली आपको उस हिसाब से 1,32 का पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र। अभी तक सिम्बायोसिस और दत्ता मेघे की दोनों कैंपस की फीस ने सिम्बी ने सेम रखी है 10 लाख रुपये साल की, तो 63,65 लाख में आपका सारा काम करा रहा है। NRI फीस $40,000 × 4.5 है। पिम्स लोनी सेम फीस रखी है 17 लाख 50, आपका काम अभी भी 90 लाख में करा रहा है। कृष्णा कराड़ ने सेम फीस रखी है 23 लाख, तो आपका काम 1,25 में हो रहा है। ओके, उड़ीसा के दोनों कैंपस सेम फीस रखी है, तो IMS सोम ने 19,60,000 से बढ़ा के 20 लाख कर दिया है, तो 92 लाख का पैकेज आपका 94 लाख का हो जाएगा। कलिंगा ने बिल्कुल सेम फीस रखी है, तो उसका पैकेज आपका 90 लाख का ही पड़ेगा। और अब IMS जो है सोम, उसका एक कैंपस आ रहा है भुवनेश्वर कटक के बीच में, जिसकी बहुत रीजनेबल फीस है, पूरा पैकेज सिर्फ 75 लाख रुपये का है। तो देखते हैं, शायद सिम्बायोसिस और मणिपाल टाटा की तरह कट ऑफ उसकी आसमान में चली जाएगी। अच्छा ग्रुप है IMS का, और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ये दूसरा कैंपस खोला गया है, तो अच्छा परफॉर्म ही करेगा। ये हो गया उड़ीसा के दोनों नया कॉलेज। फिर आ जाते हैं अपने पौंडेचेरी और तमिलनाडु की लिस्ट में। उससे पहले उत्तराखंड में आ गया जी ग्राफिक हीरा, 1 करोड़ 20 लाख रुपये का टोटल पैकेज पड़ेगा इंडियन स्टूडेंट के लिए। NRI के लिए 1 करोड़ 88 लाख का है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू नेगोशिएट किया जा रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ग्राफिक हीरा की NRI सीट के लिए। और संतोष हम जानते ही हैं, सेम फीस रखता है 24 लाख रुपये साल की, हॉस्टल मिला के 1,20 लाख का काम हो जाता है।
तमिलनाडु पौंडेचेरी में आ जाओ जी, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, बहुत फीस इंक्रीज़ की गई हैं। MGM पौंडेचेरी ने फीस बढ़ा के 2 लाख बढ़ा दी है, और जो उसका पैकेज इसलिए अब 1.34 का था वो अब 1.5 करोड़ रुपये का हो गया MGM पौंडेचेरी का। आर यू पिडई ने भी 19,50,000 से बढ़ा के 1.5 लाख रुपये बढ़ा दिया है, तो उसका पैकेज जो 1.10 का था वो अब आप 1.20 का पकड़ के चलो। लक्ष्मी नारायण ने 2 लाख बढ़ा दिया है, तो उसका पैकेज जो 1.06 करोड़ का था वो 1.15 करोड़ का पकड़ के चलो। विनायक मिशन कराईकल ने 1 लाख बढ़ाई है, तो 1 करोड़ का पैकेज 1.05 करोड़ रुपये का हो गया। तमिलनाडु में आ जाते हैं, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज ने कम कर दिया है, द ओनली कॉलेज 22 लाख से कम करके 19 लाख कर दिया है, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ रहा है मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज। एकमात्र कॉलेज ने फीस कम करी है पर, और 5 साल की लेता है, तो जो आपका लास्ट ईयर पैकेज हॉस्टल रीजनेबल है 1.10 का था, सोचिए वो सीधा 3 लाख कम करने की वजह से 95 लाख में आपको पड़ जाएगा मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सविता मेडिकल कॉलेज हल्का सा बढ़ा दिया है, 1.35 में पहुँच गया है। सत्यसाई कांचीपुरम ने 1 लाख से फीस बढ़ा दी है, तो वो भी अब 1.20 पे पहुंच जाएगा। SRM ने सेम रखी है, 25 लाख की फीस है, तो 1.36 पैकेज है। बट श्री रामचंद्र चेन्नई फिर से एक बड़ा झटका दिया है, 25 लाख फीस थी जी, 5 लाख बढ़ा के 30 लाख पे ले गया है, और 5 साल की फीस लेता है, तो आपको जो खर्चा पड़ेगा 1.60 पड़ेगा। तो आई थिंक आफ्टर DY पाटिल पुणे सबसे बड़ा जो महंगा हो गया वो श्री रामचंद्र चेन्नई हो गया है। विनायक मिशन सलेम ने 20 लाख की फीस बढ़ा के 1.5 लाख के बढ़ा दिया, तो 1.3 का पैकेज 1.12 का हो गया है। वेल्स चेन्नई की फीस अभी तक आनी है, और 1 लाख बढ़ा दी भारत ने, तो 1.15 का पैकेज 1.20 का हो जाएगा। ललिता मंगलाई ने सेम रखी है, तो उसका पैकेज अभी भी 93 लाख रुपीज़ का है। तो ये समरी आपके लिए हो गई डीम्ड की। जैसा मैंने कहा, अभी तक वेल्स चेन्नई की फीस नहीं आई है, श्री बालाजी चेन्नई और ACS की फीस नहीं आई है, और दत्ता मागे के दोनों कैंपस की नहीं आई है, वैसे उनका पैकेज 1.20 है लास्ट ईयर, और DY पाटिल पुणे मुंबई की नहीं आई है। जैसे ही 7-8 कॉलेज की आ जाएगी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि अगर आपका फर्स्ट ब्लड NRI है तो इनमें से कॉलेज में फर्स्ट ब्लड ही चाहिए, जो आप लोगों ने अभी MCC में मेल डाली, और मैं चुपचाप आपको बोलूँगा, आपके पास हमारा नंबर ही है 9643362320। प्लीज़ अगर आप में से किसी के भी पेपर MCC वाले फर्स्ट राउंड में बिना इमीडिएट फर्स्ट ब्लड के अगर पेपर पास हो गए और आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा PDF जो MCC में आएगी कि इन बच्चों को NRI कन्वर्ट कर दिया गया और आप फर्स्ट ब्लड नहीं थे, तो सिर्फ मेरे को बता दीजिएगा अगर इफ़ यू ट्रस्ट मी, ताकि अगले साल हम भी या राउंड टू में हम भी अपने बच्चों को जो बिना फर्स्ट ब्लड के हैं उनको NRI कन्वर्ट करवा दें। ठीक है, तो जिसका भी हो जाए बिना फर्स्ट ब्लड के NRI कन्वर्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने एक्चुअली सब उन्हीं के लिए मेल डाली है जिनका फर्स्ट ब्लड था, लेकिन जो बिना फर्स्ट ब्लड के कन्वर्ट की मेल डाल रहे हैं और जिनका हो जाए तो ज़रूर हमको बस बता दीजिएगा, व्हाट्सएप डाल के, मैसेज करके, कमेंट डाल दीजिएगा एनोनिमस से कि मेरा हो गया, तो जो हमारे दूसरे बच्चे हैं बिना फर्स्ट ब्लड के राउंड टू में हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरे बच्चों का भला हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो उतनी हेल्प ज़रूर कीजिएगा कि कमेंट डाल दीजिएगा कि सर बिना फर्स्ट ब्लड के, कहते हैं ना पेपर पप्पू दोनों पास हो गए, ठीक है, तो बता दीजिएगा अगर बिना फर्स्ट ब्लड के MCC आपके पेपर को पास करके आपको NRI कन्वर्ट करवा दे तो। ओके, हमने कोई पंगा लिया ही नहीं, बिना फर्स्ट ब्लड के हमने किसी की मेल अभी तक डाली नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप हमसे संपर्क करना चाहें आप नंबर जानते ही हैं, 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। टेक केयर, बाय बाय।